राधे राधे सभी को, वेलकम टू मेहता कॉलेज ऑनलाइन क्लासेस। लास्ट क्लास में अपन पढ़ रहे थे सेंट्रल फोर्सेस के बारे में, ठीक है। अपन ने डिस्कस किसके बारे में किया था, सेंट्रल फोर्सेस के लिए अपन डिस्कस कर रहे थे। और सेंट्रल फोर्सेस के अंदर अपन ने जो अब तक टॉपिक कंप्लीट किए हैं वो एक तो पोलर कोऑर्डिनेट्स, ध्रुवीय निर्देशांक के बारे में बताया। उसके बाद में मैंने आपको बताया कि गति के समीकरण कैसे निकाले जाते हैं, वो अपन ने कैलकुलेट किया था। इसके अलावा जो अपन ने आगे जो फर्दर कैलकुलेशन की थी, अपन ने ऊर्जा का संरक्षण नियम भी पढ़ा, ठीक है। इक्वेशन ऑफ मोशन जो गति के समीकरण थे वो तो निकाले ही थे, ठीक है। पाथ का भी पता लगा कि प्रक्षेप पाथ पथ क्या होगा, ट्रेजेक्ट्री क्या होगी, वो सारा अपन ने देखा। और आर और थीटा की वैल्यू किस तरीके से निकाली जाती है, ठीक है। आर और थीटा जो होता है वो किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है, ये भी अपन ने निकाल मतलब पढ़ लिया। अभी जो अगला टॉपिक आता है, ठीक है, वो टॉपिक आता है आपका कैप्लर्स लॉ, ठीक है, कैप्लर लॉ। अब कैप्लर लॉ जो होता है अपने पास में, जैसे मैंने आपको थोड़ा दिखा देता हूँ, ये अपने पास में टॉपिक का नाम है कैप्लर्स लॉ फॉर प्लेनेटरी मोशन, ठीक है। कैप्लर्स के ग्रही गतिय का नियम, कहने का मतलब ये है सीधा सीधा बात कि अपने पास में जो अब तक आपने स्टडी करी है वो ये स्टडी की है कि अगर मान लो हमारे पास में कोई एक पॉइंट है और इस पॉइंट के चारों तरफ क्या है, कोई भी एक कण है या फिर कुछ भी है अपने पास में जिसका मास एम है, वो क्या कर रहा है, चक्कर लगा रहा है, ठीक है। अपन यही पढ़ते हैं सेंट्रल फोर्सेस में, तो ठीक है, कोई भी अपने पास में ग्रह होगा वो ऐसे चक्कर लगाएगा इस पॉइंट के चारों तरफ, यही है अपने पास। और इस पर जब चक्कर लगाएगा तो इस पॉइंट के पास, इस सेंटर से एक फोर्स इसके ऊपर लगेगा जिसको अपन बोलते हैं क्या, केंद्रीय बल, या फिर क्या बोला जाता है, सेंट्रल फोर्सेस। ये मैंने आपको बताया था कि क्या लगेगा इस पर, एक सेंट्रल फोर्स या केंद्रीय बल क्या करेगा, काम करेगा। अगर मैं वही बात करता हूँ किसकी, बिसाइड देंडर की, इसको छोड़ते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं एक बात करता हूँ कैप्लर्स लॉ की, ये वाला जो अपने पास में है कैप्लर्स लॉ, तो कैप्लर्स लॉ किसके लिए बताए गए थे, ग्रही गति के नियम, ठीक है, ग्रही ये प्लैनेटरी मोशन के लिए बताए गए थे। प्लैनेटरी मोशन इन द सेंस कि अपने पास में क्या है कि जो सोलर सिस्टम है, आपने बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हो, ठीक है, बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हो कि भाई एक सोलर सिस्टम जो है अपने पास में, सोलर सिस्टम में क्या होता है, सन होगा, ठीक है, और इस सन के चारों तरफ क्या करते हैं, ग्रह चक्कर लगाते रहते हैं इस तरीके से, कोई दूसरे उसमें ऑर्बिट में घूम रहा है, ठीक है, और वो तीसरी ऑर्बिट में कुछ इस तरीके से, कोई इस तरीके से घूम रहा है, इसके चारों तरफ क्या होते हैं, ग्रह चक्कर लगा रहे होते हैं, ठीक है, इसके चारों तरफ क्या करते हैं, ग्रह चक्कर लगाते हैं। अब उन ग्रह का कुछ ना कुछ क्या होगा, केंद्रीय बल होगा, FR, कुछ ना कुछ क्या होगा, केंद्रीय बल होगा कहाँ, और इनका जो पॉइंट होगा, भाई एक बताओ केंद्रीय बल कब निकाले जाते हैं, जब उनके लिए कोई एक मूल बिंदु होगी, एक फिक्स पॉइंट होगा। तो इनके लिए जो फिक्स पॉइंट होता है वो कौन काम करता है, सूर्य। कौन काम करेगा वहाँ पर, सूर्य काम करेगा। आपका जो सन होता है वो एक फिक्स पॉइंट पे क्या होता है, रखा हुआ होता है, किसमें, इधर जो अपने पास में सेंट्रल फोर्स लग रहा है, केंद्रीय बल के अंदर, ठीक है। तो अपन ये कह सकते हैं कि जो कैप्लर्स के लॉज हैं उनको इजीली ड्राइव किया जा सकता है, मतलब तीन लॉ दिए थे और उन तीन लॉ के बारे में जो कैप्लर्स ने जो भी बताया था उनको इजीली ड्राइव किया जा सकता है, किसकी मदद से, सेंट्रल फोर्स की मदद से। क्योंकि जो अपने ग्रह सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगा रहे हैं वो एक तरीके से अपने पास में कैसे फोर्सेस के अंदर हैं, सेंट्रल फोर्सेस के अंदर हैं, केंद्रीय बलों के अंदर हैं सारे के सारे ग्रह, ठीक है। क्योंकि ग्रेविटी क्या करेगी, सन की ग्रेविटी अपनी तरफ खींचती है, ठीक है। मैं आपको और थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करता हूँ अच्छे से कि जो सन की ग्रेविटी होती है, ठीक है, जैसे मान लो मैं पृथ्वी का केस ले लेता हूँ, ये यहाँ पर सन है, ठीक है, और इस सन के इधर अपने पास में अर्थ घूम रहा है, ठीक है, या फिर मैं एक काम करता हूँ नया पेज लेता हूँ इसके लिए, देखो समझना इस चीज़ को। अपने पास में ना एक ये सन है, ये सूर्य है, ठीक है, और इस सूर्य के चारों तरफ अपने पास में क्या है, ये पृथ्वी घूम रही है, दिखाई नहीं दे रहा ना, वाइट कर देते हैं, ये इस तरीके से इसमें क्या है, पृथ्वी इसके चारों तरफ क्या कर रही है, घूम रही है, ये सूर्य है, ठीक है। तो इसके चारों तरफ कुछ इस तरीके से क्या कर रही है, घूम रही है, ये इस तरीके से, ठीक है, ये लो, ये इस तरीके से, ठीक है। पृथ्वी इसके चारों तरफ क्या लगा रही है, चक्कर लगा रही है अपने पास में। अब इस पर क्या होगा, इस पृथ्वी के ऊपर एक केंद्रीय बल लगेगा, क्योंकि अब ये घूर्णन कर रही है, तो एक फोर्स लगेगा कहाँ की तरफ, बाहर की तरफ, एफ आर,
ठीक है, जो कितना होगा अपने पास में भाई, अगर मान लो कोई भी अपने पास में कण या कोई भी अपने पास में वस्तु, ठीक है, कोई भी अपने पास में ऑब्जेक्ट है, अगर वो किसी एक सर्कुलर मोशन के अंदर होता है तो उस पर एक उपकेंद्रीय और अपकेंद्रीय बल लगते हैं। ऐसे बाहर की तरफ एक कौन सा बल लगेगा अपने पास में, सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगा, और सेंट्रीपिटल फोर्स जो होगा एफ आर वो कितना होगा mv² over r, ये अपने पास में होगा, ठीक है, ये लगेगा अपने पास में mv² over r। और ये mv² over r बैलेंस किससे हो रहा है, यहाँ पर सूर्य रखा हुआ है आपका, ये सन, देखो ये सन है, ठीक है। अब ये एफ आर तो कितना आ रहा है अपने पास में mv² over r, इसको बैलेंस कौन कर रहा है, अगर ये बैलेंस नहीं होगा तो पृथ्वी तो निकल जाएगी बाहर, पृथ्वी तो अपने कक्ष से उड़ जाएगी अगर ये बैलेंस नहीं हुआ तो, क्योंकि अभी तो पृथ्वी चलो इसके चारों तरफ घूम रही है, लेकिन घूम तो तब रही है ना जब ये फोर्स किसी से बैलेंस हो रहा होगा। अब ये फोर्स बैलेंस कर रहा है कौन आपका, जी m1 m2 over r², ये जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है, ठीक है, ये जो डिस्टेंस है अपने पास में, इससे ही अपने पास में क्या हो रहा है, ये बैलेंस हो रहा है। तो ये दो फोर्सेस बैलेंस करके रखते हैं तब जाके आपकी जो अर्थ है इस ट्रेजेक्ट्री में क्या कर पाती है, रिवॉल्व कर पाती है या फिर इसमें घूम रही होती है, क्योंकि ये अर्थ अपनी ग्रेविटी इस पे लगाएगा, सूर्य अपनी ग्रेविटी इस पे लगाएगा, वो ग्रेविटी अपने पास में एक दूसरे पे क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे, और वो बैलेंस किससे होगी अपने पास में mv² over r से, ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब सीधा सीधा ये था कि कैपलर्स ने जितने भी नियम दिए थे उन नियमों को अपन सेंट्रल फोर्स और केंद्रीय बलों के जितने भी गति के समीकरण जो इक्वेशन ऑफ मोशन निकाले थे उनके द्वारा अपन क्या कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं, इजीली उनको क्या कर सकते हैं, डिटरमाइन किया जा सकता है। कहने का मतलब मेरा ये है क्योंकि यहाँ पर जितने भी अपने पास में ये ग्रह चक्कर लगाते हैं सूर्य के चारों तरफ, ये भी किसके अंतर्गत ही होते हैं, केंद्रीय बलों के अंतर्गत ही आते हैं, सेंट्रल फोर्सेस के अंदर ही होते हैं सारे के सारे, ठीक है। और मैंने आपको बताया था सेंट्रल फोर्सेस की तो एक मेन डेफिनेशन यही होती है कि सेंट्रल फोर्सेस जो होते हैं वो तब लगते हैं, उनके लिए एक मूल बिंदु चाहिए होता है फिक्स, जो कि अपने पास में यहाँ सूर्य काम कर रहा है मूल बिंदु का, ठीक है, एक मूल बिंदु फिक्स होना चाहिए, और जो फोर्स होना चाहिए वो किस पे डिपेंड करना चाहिए, डिस्टेंस पे, देखो डिस्टेंस पे डिपेंड कर रहा है, जो सेंट्रल फोर्स है अपने पास में वो किस पे कर रहा है, इस डिस्टेंस पे, देखो ये भी डिस्टेंस पे ही डिपेंड कर रहा है और ये भी डिस्टेंस पे ही डिपेंड कर रहा है। तो बस अपने पास में केंद्रीय बल की क्या हो रही है, पूरी कंडीशन फॉलो हो रही है यहाँ पर, ठीक है। तो अपन अब क्या किसके बारे में इसकी स्टडी करेंगे, कैपलर्स लॉस के लिए। चलो देखो अब कैपलर्स का पहला नियम क्या बोलता है, ध्यान देना, कट तो नहीं रहा ना उसमें, एक मिनट, देखो ठीक है, देखो ध्यान दो, अपने पास में जो कैपलर्स का जो नियम है पहला वाला, कैपलर्स लॉ ऑफ प्लेनेटरी मोशन, इसमें जो पहला नियम आता है, फर्स्ट लॉ जो है अपने पास में कैपलर्स का, पहला लॉ क्या बता रहा है, प्रथम नियम, कि ईच प्लैनेट्स ऑर्बिट अराउंड द सन इन इन किसमें आ रहा है, इज एन इलिप्स, किसमें आता है ये, इलिप्स के अंदर अपने पास में, ठीक है, ये यहां पर इन आएगा, इन एन इलिप्स। देखो ध्यान देना, कैपलर्स ने ये बताया था कि अपने पास में जो भी सन के चारों तरफ ग्रह जो अपने पास में चक्कर लगा रहे हैं उसके चारों तरफ, वो हमेशा किस में लगाएंगे, इलिप्स के अंदर लगाएंगे, किसके अंदर लगाएंगे, इलिप्स के अंदर। कहने का मतलब ये है कि अपने पास में जो ऑर्बिट होगी वो कैसी होगी, इलिप्टिकल ऑर्बिट होगी, कैसी ऑर्बिट होगी वो अपने पास में इलिप्टिकल ऑर्बिट होगी, देख लो ये लिखा होगा, ये इलिप्ट है, दीर्घवृत्ती है, दीर्घवृत्त में होगा, ठीक है। क्योंकि देखो मैंने आपको पहले ही बताया था जो केंद्रीय बल जो होते हैं उनके लिए जरूरी नहीं है कि व्रत ही बने, वो दीर्घ व्रत भी हो सकता है, परावलय भी हो सकता है, वलय भी हो सकता है, क्योंकि इन सब में है ना अपने पास में एक फोकस होता है, एक मूल बिंदु जरूर होता है, ठीक है। जैसे अब सर्किल की बात करता हूं तो सर्किल में अपने पास में एक मूल बिंदु होता है, सेंटर। अगर मैं इलिप्स की बात करूं, दीर्घ व्रत की बात करूं, तो इसमें दो मूल बिंदु होते हैं अपने पास में, एक एफ वन और एक एफ टू, दो सेंटर होते हैं अपने पास में। परावलय का भी एक सेंटर आता है, ठीक है, और परावलय जो होता है और वलय जो होता है उसका भी अपने पास में एक सेंटर होता है। तो वो सारा सब कुछ हाइपरबोला पैराबोला की बात कर रहा हूँ, तो इन सब के क्या होते हैं, एक सेंटर्स होते हैं, एक फिक्स बिंदु होता है, उसमें से ही वो ट्रेजेक्ट्री पास होती है।
द सन सेंटर इज ऑलवेज लोकेटेड एट वन फोकस. ध्यान देना, अपने पास में यहां पर कितने फोकस हो सकते हैं? दो फोकस होंगे. दो कौन से सर? बोले एक ये फोकस भी तो हो सकता है. एक मिनट, ये वाला एक फोकस तो यहां होगा और एक फोकस कहां होगा? सन के पास में. ठीक है, अब क्योंकि अर्थ जो है इसकी ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में है, इसकी ग्रेविटी के लिए अपने पास में क्या होगा, अर्थ अपने इस ऑर्बिट को बैलेंस करने के लिए एक दूसरा फोकस भी लेती है, वो इस पॉइंट के थ्रू भी घूम के जाएगी. ठीक है, तो अपने पास में दो फोकस होते हैं, एलिप्स में तो वैसे भी दो ही होते हैं, तो किसी एक फोकस, देखो यहाँ पे भी मैंने बना रखा है एक फोकस या सेकेंड फोकस, तो किसी एक फोकस पर रहेगा ये. ठीक है, आगे द सन इज एट वन फोकस बता दिया मैंने. द प्लैनेट फॉलोज द एलिप्स इन इट्स ऑर्बिट, मीनिंग दैट द प्लैनेट टू द सन डिस्टेंस इज कंस्टेंटली चेंजिंग एज द प्लैनेट गोज अराउंड इट्स ऑर्बिट. कहने का मतलब ये है कि देखो, अपने पास में जब ये प्लैनेट घूमेगा, ये अर्थ जब इसके चारों तरफ रिवॉल्व करेगी, चक्कर लगाती जाएगी, तो इसकी डिस्टेंस भी चेंज होती जाएगी. क्योंकि देखो यहाँ डिस्टेंस सबसे कम है, यहाँ पे डिस्टेंस क्या होगी? सबसे कम होगी. और यहाँ डिस्टेंस क्या होगी? सबसे ज़्यादा होगी. यहाँ डिस्टेंस सबसे कम होगी, यहाँ डिस्टेंस क्या होगी? सबसे ज़्यादा होगी. एलिप्स है ना, अब एलिप्स में सन तो अब बिल्कुल सेंटर में थोड़ी आ रहा है, ये यहाँ पे आ गया है, एक फोकस पे आ गया इसका, एक फोकस जो है अपने पास में फोकल पॉइंट है वहाँ पर आ गया दीर्घवृत्त के, एक फोकस पे आ रहा है. तो इस फोकस पे अपने पास में ये डिस्टेंस जो होगी ये तो कम ही होगी, ऑब्वियस ही बात है, ये तो डिस्टेंस अपने पास में क्या होगी? कम होगी ये वाली तो, और ये अपने पास में क्या होगी? ज़्यादा होगी. तो वो यही कहना चाह रहा है कि ग्रह अपनी कक्षा के दीर्घवृत्त के अनुसरण करता है, जिसका अर्थ है कि जैसे जैसे ग्रह अपनी कक्षा में घूमता है, ग्रह से सूर्य की दूरी लगातार बदलती रहती है, आर तो चेंज होगा. गति के समीकरण में मैंने आपको पढ़ाया था, समय के साथ में आर भी चेंज हो रहा था. मैंने एक समाकलन वाली जो अपनी प्रीवियस क्लास है उसी में बता दिया था ये, तो कि आर जो होता है. अच्छा, दूसरी चीज, इसकी एनर्जी पे भी डिपेंड करेगा, ये किस एनर्जी से घूम रहा है इसके चारों तरफ. ठीक है, मैंने एक समाकलन वाला ऐसा कुछ रूप करवाया था आपको, याद हो तो, ये जीरो से टी और यहाँ पे डी टी था, ये जीरो से आर और ये डी आर ओवर अपने पास में कितना हो जाएगा, ये इसको ऐसे ले लो आर नॉट टू आर, ये कितना आ जाएगा अपने पास में ई माइनस यू माइनस जे स्क्वायर ओवर टू एम आर स्क्वायर, इसकी पावर हाफ, और साथ में एक और आ रहा था टू बाई एम, इसकी पावर भी हाफ थी, कुछ इस तरीके का मैंने करवाया था. तो एक बार बताओ, मैं मान लेता हूँ टी बराबर जीरो पर, यहाँ पे था आपका ये, ठीक है, टी बराबर जीरो पर अपने पास में मैंने मान लिया प्लेनेट यहाँ था आपका, और ये जो डिस्टेंस है यहाँ से लेके यहाँ तक की, ये आर नॉट है, ये डिस्टेंस कितनी है अपने पास में, ये आर नॉट है, ये वाली डिस्टेंस, ये आर नॉट डिस्टेंस है. ठीक है, टी बराबर यहाँ तक आते आते जब ये प्लेनेट यहाँ से यहाँ तक आ गया इस जगह पे, मैं मान लेता हूँ टी बराबर टी टाइम आ गया अब, और ये डिस्टेंस भी चेंज हुआ है. तो बेटा ये सारी चीज़ देखो, इसकी एनर्जी पे भी डिपेंड करता है, इसकी स्थितिज ऊर्जा पे भी, और इसकी घूर्णन गतिज ऊर्जा, उन सब पे डिपेंड करता है ये आर. और ये आर लगातार क्या होता जाएगा आपका? चेंज होता जाएगा. ठीक है, तो मैंने तो आपको बताया था आर भी अपन क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं इस फॉर्मूले से कि भाई आर कितना आ रहा है, ये मैंने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ाया था आपको. तो ध्यान देना, अपने पास में जो सन होता है वो किसी एक फोकस पे रहेगा, और पृथ्वी क्या, जितने भी ग्रह होते हैं वो सारे इसके क्या लगाएंगे, चक्कर लगाते रहेंगे, और इसके चक्कर लगाएंगे तो क्या होगा अपने पास में, ये जो आर होगा ये टाइम के साथ में क्या होता जाएगा, चेंज होता जाएगा. और ये तो मैथमेटिकली भी मैंने प्रूफ कर दिया था कि टाइम के साथ में आर चेंज होगा, और थीटा भी चेंज होता जाएगा, एंगल भी तो चेंज होता जा रहा है, यहाँ पे था थीटा नॉट, फिर चेंज होता जा रहा है, एंगल भी चेंज होगा आपका, एंगल भी क्या होता जाएगा, चेंज होता जाएगा. ठीक है, तो पहला नियम क्या है कि जितने भी प्लैनेट्स हैं जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं वो एक दीर्घवृत्तीय है ऑर्बिट में क्या लगाएंगे, चक्कर लगाएंगे. ठीक है, उनकी जो कक्षा होगी वो कैसी होगी, दीर्घवृत्त, उनकी जो ये कक्षा होगी कैसी होगी, ये दीर्घवृत्त होगी. पहला नियम यही था. ठीक है, जिसमें दीर्घवृत्त होगा, और दूसरी बात, सूर्य का जो केंद्र होगा वो किसी एक फोकस पर स्थित है, किसी एक पॉइंट पे लेना, या तो इस फोकस पे या इस फोकस पे. ठीक है, तो हमेशा किस में लगाएंगे, इलिप्स के अंदर लगाएंगे. एक्चुअली क्या होता है, ये तो आपका 2D डायग्राम है, एक्चुअली ऐसे नहीं होता,
आपका क्या होता है, सूर्य भी चारों तरफ चक्कर लगा रहा होता है मिल्की वे गैलेक्सी के, समझना इस चीज़ को। सूर्य जो होता है ना वो खुद भी है ना मिल्की वे गैलेक्सी के चारों तरफ चक्कर लगाता है। तो सूर्य जब ये आगे बढ़ता है, सूर्य भी आगे बढ़ता है, सूर्य एक जगह स्थिर नहीं है, सूर्य भी धीरे धीरे अपनी पोजिशन चेंज करता है, क्योंकि जो आपकी मिल्की वे गैलेक्सी है, ठीक है, आकाशगंगा जो है, इस आकाशगंगा में बीच में ब्लैक होल है और इस ब्लैक होल के चारों तरफ सूर्य इस तरीके से चक्कर लगाता है, ठीक है। तो सूर्य भी अपना आगे बढ़ता है और सूर्य जब आगे बढ़ता है ना तो इसके चारों तरफ जो प्लैनेट होते हैं ना वो कुछ इस तरीके से शेप में जाते हैं। ये सूर्य आगे बढ़ता जाएगा, इसके चारों तरफ प्लैनेट इस तरीके से घूमते जाएंगे इलिप्स में। अब ये इलिप्स नहीं रहा, अभी आपकी पता है कौन सी फॉर्म बन गई, ये एलिप्स ना बन गई, अब आपके पास में सीधी सीधी कौन सी फॉर्म आ रही है, ये आ रही है हेलिक्स, इसको हेलिक्स बोलते हैं, ठीक है, चूड़ीदार, चूड़ीदार बोला जाता है हेलिक्स, ठीक है। तो चूड़ीदार उसमें घूमते हैं एक्चुअली में तो, और इनमें जो एक फोकस, इसके भी दो फोकस होते हैं इस हेलिक्स के भी, उस एक फोकस पे क्या रखा होता है आपका, सन रखा हुआ होता है, ठीक है। तो ध्यान देना इस चीज़ पे, क्या भूल गया हूँ मैं, ओ हो, हटाऊँ कैसे, ये तो पूरा हट गया, रुको ये रहा, ठीक है। तो ये इस पे, इस चीज़ पे ध्यान देना आप, कि ये जो अपने पास में है सूर्य एक्चुअली में चक्कर इस तरीके से लगाता है, तो इसका ध्यान रखना, ठीक है। ये मैंने आपको बता दिया, जिसकी एक्चुअल होती है अपने पास में वो क्या होती है, इस तरीके से चक्कर लगाएगा। अरे क्या हो रहा है यार ये, चलो छोड़ो, मेरे को समझाने का काम था, पता नहीं क्या दिक्कत कर रहा है, ठीक है। तो पहला नियम क्या बताता है अपने पास में, पहला नियम ये है कि जितने भी अपने पास में ये प्लैनेट्स होते हैं, जितने भी अपने पास में ग्रह हैं, वो सूर्य के चारों तरफ किस में लगाएंगे, दीर्घवृत्त के अंदर चक्कर लगाएंगे, और साथ ही साथ में जो सन होगा उस दीर्घवृत्त के एक फोकस पे कहीं पे क्या होगा, रखा हुआ होगा। ये प्लैनेट का मतलब, ये केपलर्स लॉ का क्या था, पहला नियम था, और ये मैंने आपको प्रूफ भी करवाया था मैथमेटिकली, ठीक है, आर चेंज भी होता है। अगला देखो, अब आता है आपका सेकेंड नियम, जो दूसरा नियम है। अब देखो दूसरा नियम क्या है अपने पास में, समझना इसको, दूसरा नियम क्या बताता है, कट रहेगा, देखो दूसरा नियम क्या बताता है कि जो रेडियस होता है, ठीक है, वेक्टर जो अपने पास में रेडियस होता है, वेक्टर जॉइनिंग द सन एंड द प्लैनेट स्वीप्स इक्वल एरिया इन इक्वल टाइम, i.e. दैट मींस द एरियल वेलोसिटी ऑफ द प्लैनेट इज ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट। देखो ये मैं प्रूफ भी करा चुका था, कहने का मतलब ये है, देखो समझना इस चीज को, देखो यहां डायग्राम में ही बता रखा है, देखो ये इतना एरिया जो है समय के साथ में, ये जो एरिया आ रहा है, और एक इतना एरिया जो आ रहा है ये वाला, समय के सापेक्ष ये हमेशा बराबर रहेंगे, ठीक है। मतलब यहां से लेके यहां तक आने में उसको एक मंथ ही लगेगा, लेकिन यहां से लेके यहां तक जाने में देखो कितना ज्यादा एरिया ले रहा है, इसमें क्या लेगा उसको, उसको एक ही मंथ लगेगा। मतलब यहां पे अपने पास में एक मंथ देखो कितना सा एरिया ले रहा है और यहां पे क्यों ले रहा है, मैंने ये प्रूफ कराया था बेटा, dA / dt कांस्टेंट होता है, dA / dt क्या आता है अपने पास में, कांस्टेंट आता है, प्रूफ कराया था मैंने कि भाई जो अपने पास में एरिया स्वाइप करेगा, कोई भी अपने पास में सेंट्रल फोर्सेस के अंदर कुछ इस तरीके से अगर एरिया स्वाइप करेगा, जैसे अब ये है ये वाला एरिया, देखो ये वाला एरिया है, तो ये बेटा बराबर रहेंगे टाइम के सापेक्ष में, किसके साथ में, टाइम के साथ में। मैं ये नहीं कह रहा कि इनका जो एरिया होगा और इसका एरिया जो होगा वो बराबर होगा, नहीं, टाइम के रिस्पेक्ट में बराबर होगा। मतलब यहां से लेके यहां तक ये जितना एरिया लेगा, जैसे एक महीना लगा इसको यहां से लेके यहां तक लेने में, तो यहां से लेके यहां तक लेने में भी कितना टाइम लगेगा, एक महीना ही लगेगा। मैं ये कहना चाह रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि भाई ये जो अंदर का एरिया ये बराबर होगा, ना ना ना, ये इक्वल, ठीक है। तो सूर्य और ग्रह से जुड़ने वाली त्रिज्या वेक्टर समान समय में समान क्षेत्र में घूमता हुआ, यानी ग्रह का क्षेत्रीय वेग हमेशा कैसा रहेगा, स्थिर बना रहेगा, dA / dt कैसा रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, समय के सापेक्ष में आपका जो एरिया होगा वो बराबर ही घिरेगा, कहने का मतलब ये है, ठीक है। और ये तो अपन ने अभी केंद्रीय बल के अंदर प्रीवियस क्लासेस में मैंने इसको प्रूफ भी करवाया था मैथमेटिकली, ठीक है, मैथमेटिकली क्या करवाया था, इसको प्रूफ भी करवाया था मैंने।
तो ध्यान रखना बच्चों इस चीज़ का। तो डी ए बाई डी टी, ये दूसरा लॉ था कैपलर्स का, जो कि कौन प्रूफ कर रहा है आपका, केंद्रीय बल भी तो प्रूफ कर रहा है ये चीज़। तो यही तो मैं कह रहा हूँ कि कैपलर्स के जितने भी लॉ हैं उनको अपन केंद्रीय बल से भी निकाल सकते हैं, ठीक है। ये कैपलर्स का दूसरा नियम है। और अब आता है आपका कैपलर्स का कौन सा नियम, तीसरा नियम। देखो तीसरा नियम क्या बोलता है, ध्यान देना, देखो ध्यान देना, तीसरा नियम क्या बताता है अपने को कि द स्क्वायर ऑफ द पीरियड ऑफ द रिवॉल्यूशन ऑफ द प्लैनेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ द सेमी मेजर एक्सिस ऑफ द इलिप्टिकल ऑर्बिट, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द कैपलर सेकंड लॉ द एरियल वेलोसिटी रिमेन कॉन्स्टेंट। ये तो कैपलर्स का सेकंड नियम है। ग्रह के परिक्रमण अवधि का वर्ग अर्ध के घन के सीधे क्या होता है, समानुपाती होता है, ठीक है, ध्यान रखना है, समानुपातिक होता है, ठीक है। तथा उनकी मतलब होता है उनकी अंडाकार कक्ष के प्रमुख धुरी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक मिनट, ये है ना, ये वाली लाइन नहीं आएगी। समानुपातिक समानुपातिक एक मिनट, इसको कैसे लिखेगा, ग्रह की परिक्रमण अवधि की वर्ग अर्ध के घन के सीधे क्या होता है, समानुपाती होता है, ठीक है, जो कि अंडाकार की कक्षा की प्रमुख दूरी होती है, यहां पे आएगा, ठीक है। देखो कहने का मतलब सीधा सीधा ये है अपने पास में कि जो कैपलर्स का जो तीसरा लॉ है उसका ये कहने का मतलब होता है कि जो टाइम रिवॉल्यूशन होता है, जो टाइम पीरियड ले रहा है एक चक्कर लगाने का, ठीक है, तो उसका जो वर्ग होता है वो किसके प्रोपोर्शनल आता है, वो डिस्टेंस के क्यूब के। देखो जैसे इस डायग्राम में भी बता रखा है, ये रहा, ये है अपने पास में, ठीक है, ये ए क्यूब के इक्वल आ रहा है। जो स्क्वायर होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा, ए क्यूब के। मतलब कहने का मतलब ये है कि जैसे मान लो ये अपने पास में सूर्य है, यहाँ पर, यहाँ पर आपका ये ग्रह है, इस ग्रह पे अभी टाइम पीरियड इसका टी चल रहा है, तो ये जो डिस्टेंस होगा, ठीक है, ये जो अपने पास में डिस्टेंस होगा और ये जो रेडियस होगा, जो भी अपने पास में डिस्टेंस आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे अपने पास में दो रेडियस होते हैं, एक बी होता है और एक ए होता है, तो जो टी स्क्वायर आएगा ना वो किसके प्रोपोर्शनल होगा, ए क्यूब के, किसके इक्वल होगा, ए क्यूब के। लेकिन सेमी मेजर एक्सिस, माइनर एक्सिस नहीं, मेजर एक्सिस, जो बड़ी डिस्टेंस होगी ना उसकी बात कर रहा है, छोटी डिस्टेंस की बात नहीं करेगा, जितनी बड़ी डिस्टेंस हो सकती है उस डिस्टेंस को लेगा, तो उसके किसके बराबर होता है, क्यूब के बराबर होता है, ठीक है। तो एक ऑर्बिट का जो टाइम पीरियड होता है, टाइम रिवॉल्यूशन होता है, उसका स्क्वायर जो होता है अपने पास में किसके बराबर होता है, ये जो अपने पास में सेमी मेजर एक्सिस होती है ना, बड़ी वाली जो अक्ष आती है, इसके घन के, ठीक है, घन ही बोलते हैं इसको, ठीक है, हाँ, अर्ध के घन के सीधे समानुपाती होता है, ठीक है, आर के। तो ये अपने पास में क्या होता है, कैपलर्स का तीसरा नियम। इसको ड्राइव भी किया जा सकता है, ठीक है, इसको मैं ड्राइव भी कर सकता हूँ आपके लिए कि भाई ये अपने पास में ये कितना आएगा, इसको ड्राइव कर सकते हैं अपन। देखो ड्राइव करवाता हूँ मैं आपको, ये फॉर्मूला कैसे ड्राइव होता है, देखो, अच्छा यहाँ नहीं है क्या, पेज ही नहीं है, चलो मैं पेज बना देता हूँ यहाँ पे, देखो ध्यान देना कैसे ड्राइव करोगे इसको। देखो अपन जानते हैं कि भैया डी ए बाई डी टी क्या होता है, ये कॉन्स्टेंट है, डी ए बाई डी टी क्या होता है, कॉन्स्टेंट होता है, ठीक है। और डी ए बाई डी टी याद करो ये कितना आ रहा था, ये डी बाई डी टी ऑफ 1/2 आर स्क्वायर, ठीक है, और यहाँ पे आ रहा था अपने पास में डी थीटा बाई डी टी, यही वैल्यू आ रही थी अपने पास में, ठीक है, ये अपने पास में कितनी आ रही थी, हाफ आर स्क्वायर डी थीटा बाई डी टी, यही आ रहा था ना, हाँ यही था, ठीक है, मेरे को अभी थोड़ा थोड़ा सा रिमेंबर हो रहा है सर, मैंने यही कराया था कि डी ए बाई डी टी का जो फॉर्मूला आता है ना अपने पास में, वो यही चीज़ आ रही थी, आर इंटू आर डी थीटा, नहीं हाफ आर स्क्वायर डी थीटा था ये, तो एक मिनट, ये डी टी नहीं आया यहाँ, ठीक है, ये अपन ने प्रूव करा था। अच्छा जे कितना होता है आपका, एम आर स्क्वायर डी थीटा बाई डी टी, तो यहाँ पे आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी अपने पास में, देखो जे बाई एम आर स्क्वायर,
जे बाई एम आर स्क्वायर, और ये कितना आ जाएगा डी थीटा बाई डी टी। ठीक है, तो एक मिनट, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, मेरे को थोड़ा सा क्या दिमाग से थोड़ा सा मेरा अभी क्या स्किप हो गया, ये अपन ने प्रूफ किया था। तो यहाँ से डी थीटा बाई डी टी आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी रख दोगे, अच्छा जे बाई एम कितना रख दोगे, जे बाई एम। तो अपने को ये पता लग गया कि जो डी ए बाई डी टी जो होगा वो कितना आ रहा है अपने पास में, जे बाई टू एम। यहाँ से अगर इस वैल्यू को अगर यहाँ से पुट करोगे ना, तो ये तो आर स्क्वायर डी थीटा बाई डी टी की वैल्यू कितनी है, जे बाई एम, वो मैंने पुट दी वहाँ पे। ठीक है, ये अपन ने प्रूफ भी किया हुआ है पहले भी कि ये एरिया जो स्वाइप होता है वो इतना स्वाइप करता है, ये मैंने पहले प्रूफ कराया है प्रीवियस लेक्चर में, देख लेना एक बार, आपको प्रूफ करा हुआ मिलेगा। तो यहाँ से जो ए होगा अपने पास में ये कितना आ जाएगा, जे बाई टू एम इन टू टी, भाई इंटीग्रेट कर दो दोनों तरफ, ये अपने पास में आएगा। अब अच्छा एक बार बताओ ये कितना आ गया अपने पास में, जे टी बाई टू एम। अब एक बार बताओ एरिया कितना होगा, इलिप्स का एरिया मान लेते हैं अपने पास में ग्रह किसी इलिप्स में घूम रहा है। ठीक है, कि इलिप्स के अंदर क्या कर रहा है, चक्कर लगा रहा है। तो एक बार बताओ इसका इलिप्स का एरिया कितना होगा, मैं मान लेता हूँ ये तो मेजर एक्स माइनर एक्सेस हो गई, ये मेजर एक्सेस हो गई ए। तो जो एरिया होता है ना इलिप्स का होता है पाई ए बी, कितना आता है वो अपने पास है पाई ए बी। तो अपने पास में देखो यहाँ से जे टी बाई टू एम इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, पाई ए बी। ठीक है, जे टी बाई टू एम की वैल्यू कितनी आ जाएगी अपने पास में, पाई ए बी। अभी मैंने क्या है एक चीज़ और है, मैं ये बी और एल के बीच में, वो सॉरी बी और ए के बीच में आपको ना एक रिलेशन करवाऊंगा। बेटा देखो सीधी बात बताऊँ, हो सकता है प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर मैंने जे की जगह एल भी ले रखा हो, तो हमेशा ध्यान रखना जो कोणीय संवेग होता है ना उसको जे से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं और एल से भी रिप्रेजेंट करते हैं, दोनों एक ही चीज़ है। तो कन्फ्यूज़ मत होना कि बोले सर प्रीवियस लेक्चर्स में आपने एल ले लिया था और यहाँ पे जे लेके चल रहे हो, कन्फ्यूज़ मत होना, जे और एल एक ही बात है, कैपिटल जे और कैपिटल एल एक ही बात है। ये कन्फ्यूज़न भी मैंने आपका क्या कर दिया, दूर कर देता हूँ। ठीक है, तो देखो यहाँ पर जो अपने पास है बी और ए के बीच में रिलेशन जो होता है, बी और ए के बीच में जो रिलेशन आता है ना वो आएगा अपने पास में, अभी मैंने ये करवाया नहीं है, ये तो मैं जस्ट आपको बता रहा हूँ आइडिया, आगे अपन पढ़ेंगे इसको, ये आएगा एल ए। और जो बी स्क्वायर जो होता है ना, एल की वैल्यू होती है जे ओवर एम सी, सी यहाँ पर कोई भी कॉन्स्टेंट हो सकता है। ठीक है, जे ओवर सॉरी जे स्क्वायर ओवर एम सी, ये जे स्क्वायर आता है ओवर एम सी, मैं आगे कैलकुलेट करवाऊंगा ये सारी चीज़ें, अभी बस मैं तुमको बता रहा हूँ कि प्रूफ कैसे होता है। अपने को अभी ये नहीं जानना है कि भाई ये वैल्यूज आ कहाँ से रही हैं, बस मैं आपको बता रहा हूँ प्रूफ कैसे होता है। तो ये अपने पास में हो गया, यहाँ से ए की वैल्यू निकालना है एक बार कितना आएगा, या फिर बी की वैल्यू निकालो, बी कितना आ जाएगा, जे ओवर अंडर रूट एम सी इंटू ए, यही वैल्यू होगी अपने पास में, अंडर रूट में चला जाएगा ये भी अंडर रूट में चला जाएगा अपने पास में। ठीक है, तो एक काम करो, ये रखा हुआ अपने पास में ए और यहाँ पर ये वैल्यू रखी हुई है, इसको अपन क्या कर देते हैं, यहाँ पुट कर देते हैं इसमें वैल्यू में, इसमें पुट करते हैं, तो ये देखो कितना आएगा, टी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से टी की वैल्यू होगी 2m ओवर j इंटू पाई, ए को तो ऐसे ही रख दिया, बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, j ओवर ये कितना आ जाएगा, अंडर रूट एम सी। ठीक है, और ये आ जाएगा अंडर रूट ए, ये आएगा अपने पास में। ठीक है, यहाँ से j कैंसिल हो गया, j से j तो कैंसिल हो गया, ये कितना आ गया 2m पाई, और एक काम करो ये कितना आ जाएगा, ये 2 पाई, एम से एम कैंसिल होगा तो ये अंडर रूट एम ओवर सी। ठीक है, और यहाँ बन जाएगा ए की पावर 3/2, दोनों तरफ स्क्वायर ले लिया, ये टी स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर एम ओवर सी, और देखो ये ए क्यूब। ठीक है, तो देखो ये टी स्क्वायर किसके प्रोपोर्शनल आ रहा है, ए क्यूब के। तो ये प्रूफ भी कर सकते हैं अपन। ठीक है, ये आगे मैं प्रूफ कराऊंगा भी, ये तो मैंने सिर्फ तुम्हें एलिप्स के लिए बताया, इलिप्स के लिए बताया, अगर सर्कल में हो तो अपने पास में टी की डिपेंडेंसी कैसे आती है, ये सारा सब कुछ मैं आगे ही क्लास में आपको क्या कराऊंगा, अभी कराऊंगा जब अपन ऑर्बिट्स के बारे में, कक्षाओं के बारे में पढ़ेंगे। कक्षाएं अपने पास में चार तरीके की हो सकती हैं, दीर्घवृत्त, वृत्त, परावलय, वलय, इलिप्स, सर्किल, हाइपरबोला, पैराबोला, चार तरीके की हो सकती हैं, उन चारों के ही इक्वेशन अपन क्या करेंगे, ड्राइव करेंगे। ठीक है, तो ध्यान रखना। तो ये मैंने देखो आपको यहाँ पे प्रूफ कराया, किसके लिए करवाया, ये मैंने इलिप्स के लिए करवाया, एलिप्स के लिए कुछ रिक्वायर कंडीशंस होती हैं, ये अपन आगे पढ़ेंगे, उन्हीं से ये ड्राइव हो पाएगा। ठीक है, तो ये तो मैं सिर्फ एक जनरल मोटा आइडिया दे दे कि भाई ये प्रूफ भी होता है अपने पास में, और ये प्रूफ देखो किससे हो रहा है, सेंट्रल फोर्सेस से ही हो रहा है, अभी भी किससे हो रहा है, ये सेंट्रल फोर्सेस से ही हो रहा है। तो ये थे आपके क्या, कैप्लर्स के नियम। अब कैप्लर्स के नियम पे क्या होता है, क्वेश्चंस बनते हैं अच्छे खासे। अच्छा एक चीज़ और ध्यान रखना, एक चीज़ मैंने बताना भूल गया,
जब आपके पास में ये अर्थ इस सूर्य के चारों तरफ जब चक्कर लगाएगी, ये सन हो गया, ये अर्थ हो गया, ये सूर्य है अपने पास में और ये अर्थ है, ठीक है। तो जब अपने पास में अर्थ सन के चारों तरफ चक्कर लगाती है, ठीक है, सन के चारों तरफ चक्कर लगाएगी, तो एक बार बताओ इसका जो एंगुलर मोमेंटम जो होगा, कोणीय संवेग होगा, वो तो कैसा रहेगा, संरक्षित, एल और जे बेटा दोनों ही एक ही बात है, ठीक है। तो जे आपका कैसा रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, जे कैसा रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। और जे की वैल्यू कितनी होती है, आर क्रॉस ए जे बाई एम, आर क्रॉस में वी, ये मैंने निकलवाया था, ठीक है। अब ये कांस्टेंट बनी रहे तो इन दोनों में क्या होना चाहिए, चेंज होना चाहिए, इन दोनों में क्या होना चाहिए, चेंज होना चाहिए। एक बार बताओ ये आर यहाँ पे ज़्यादा है, इसकी वैल्यू ज़्यादा है, इसको कांस्टेंट होने के लिए वी की वैल्यू क्या रहेगी, कम रहेगी। इसीलिए जब पृथ्वी दूर होती है तो उसकी जो गति होती है वो क्या होती है, कम होती है। पृथ्वी जब अपनी दूर चली जाती है तो वहाँ पे उसकी गति क्या हो जाती है, कम हो जाती है। और जब पृथ्वी सूर्य के पास में आती है तो उसकी गति क्या हो जाती है, तेज हो जाती है। इसको अपन ऐसे भी पढ़ सकते हैं कि जो अपने पास में मरकरी ग्रह है, मरकरी जो ग्रह है वो सूर्य के काफ़ी पास में रहता है, वो उतनी ही तेज गति से घूम लेता है। और जो प्लूटो है, ठीक है, प्लूटो जो ग्रह है अपने पास में, प्लैनेट है, वो सन से कितना दूर है, उसको उतना ही ज़्यादा टाइम लगता है एक ऑर्बिट कंप्लीट करने में, ठीक है। उस ऑर्बिट को कंप्लीट करने में उतना ही ज़्यादा क्या लगेगा, टाइम लगेगा, ठीक है। वो तो वो वाली बात हो गई टी स्क्वायर ओवर ए क्यूब, वो यहाँ से डिपेंडेंसी बता सकता हूँ मैं वो तो। लेकिन यहाँ की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर अपने पास में जो स्पीड होगी इसकी वो क्या हो जाएगी, तेज। और यहाँ पे स्पीड क्या होगी, ये आर कम हो गया ना, सॉरी, यहाँ पे स्पीड तेज हो जाएगी और यहाँ पे स्पीड क्या हो जाएगी, इसकी कम हो जाएगी। तो ये चीज़ भी थोड़ी सी आपको रिमेम्बर रखनी है। इसका क्वेश्चन पूछ लेता है, वो बता देगा कि भाई ऐसे आर है और इतना वी है, तो बताओ जब दूसरी जगह पे आएगा तो वहाँ पे वी कितना होगा अगर आर इतना है तो अपन सीधा किसका लगाएंगे, एंगुलर मोमेंटम का, कंजर्वेशन का, ठीक है। अब चलो कुछ न्यूमेरिकल्स की बात कर लेता हूँ। देखो कैपलस लॉ पे कुछ ना कुछ न्यूमेरिकल्स आते ही जरूर हैं। एक मिनट, ये तो अपना हो गया था ना, ये रहा। देखो अ सैटेलाइट इज रिवॉल्विंग इन अ सर्कुलर ऑर्बिट अबाउट 100 किलोमीटर फ्रॉम अर्थ। फाइंड द टाइम टेकन फॉर वन रेवोल्यूशन अराउंड अर्थ, रेडियस ऑफ द अर्थ इतना और जी कितना दे रखा है, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो पहले तो मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि देखो अपने पास में ये पृथ्वी है और ये पृथ्वी क्या कर रही है, इस सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगा रही है, ठीक है। तो इस पर एक फोर्स तो बाहर की साइड लगेगा, कितना, एम वी स्क्वायर ओवर ये डिस्टेंस इतना होगा अपने पास, ठीक है। मैं मान लेता हूँ यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है। अच्छा एक मिनट, ये तो अपने पास में, अच्छा सूर्य की बात नहीं कर रहा, सॉरी सूर्य की तो बात ही नहीं कर रहा, पृथ्वी की बात कर रहा है। देखो ये पृथ्वी है और इस पृथ्वी पे किस में, सर्कुलर ऑर्बिट के अंदर है, इसके चारों तरफ, पृथ्वी के चारों तरफ एक सैटेलाइट मूव कर रहा है, ठीक है। एक सैटेलाइट है अपने पास में, उपग्रह है, और ये यहाँ से कितने किलोमीटर पर है, 100 किलोमीटर पर है। तो ऑब्वियस ही बात है इसके ऊपर एक फोर्स लगेगा, एम वी स्क्वायर ओवर आर। मैं मान लेता हूँ ये डिस्टेंस कितना है, आर है, ठीक है, ये डिस्टेंस कितना है, आर है। लेकिन ये जो आर होगा ये इसके सेंटर से आएगा, ध्यान रखना, अगर इसके सेंटर से आएगा तो इस आर की वैल्यू कितनी होगी अपने पास में, आर, एक तो यहाँ से लेकर पृथ्वी तक का ये त्रिज्या प्लस ये डिस्टेंस आर प्लस एच, ये ध्यान रखना, ठीक है, ये कितना होगा, आर प्लस एच। और इनके बीच में क्या लगेगा, ग्रेविटी भी तो लगेगी, गुरुत्वाकर्षण बल भी तो लगेगा। तो एफ को बैलेंस कौन करेगा, देखो जी एम कैपिटल एम ओवर आर प्लस एच का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पर अपने पास में कौन सा लगेगा, एम वी स्क्वायर ओवर, और ये कितना लगेगा, आर प्लस एच, यही वैल्यू रहेगी अपने पास में, ठीक है। अब देखो ये एम से एम तो कैंसिल हो गया, यहाँ पे कैपिटल एम जो है ना, ये बड़े वाला एम, ये पृथ्वी का है मास, पृथ्वी का द्रव्यमान, पृथ्वी का द्रव्यमान है, ध्यान रखना, ठीक है। तो देखो यहाँ से अपने पास में ये कितना हो जाएगा, जी एम आर प्लस एच, इसका इससे भी ये कैंसिल हो गया, और यहाँ पे कितना आ गया, ये बी स्क्वायर।
वी इज इक्वल टू कितना होता है आर ओमेगा, वी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आर ओमेगा, तो ये हो जाएगा जी एम ओवर आर प्लस एच, और यहाँ पर कितना आ जाएगा आर प्लस एच का होल स्क्वायर आर ओमेगा, आर ओमेगा ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, टाइम पीरियड पूछ रहा है ना ये, देखो यहाँ से अपने इसको ड्राइव कर सकते हैं फॉर्मूले को, ये कितना फॉर्मूला होगा अपने पास में, ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी अपने पास में, ये हो जाएगा जी एम ओवर आर प्लस एच, इसका कितना हो गया क्यू। ठीक है, ये कितना आ जाएगा फोर पाई स्क्वायर ओवर टी स्क्वायर, फोर पाई स्क्वायर ओवर टी स्क्वायर, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी जी एम ओवर आर प्लस एच का क्यूब। ठीक है, आर प्लस एच का क्यूब, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, एक मिनट इसमें ना, एक मिनट रुकना, एक मिनट रुकना, थोड़ा सा मुझे गड़बड़ लग रहा है। यहाँ से थोड़ी सी गड़बड़ी हुई है अपने पास में, ये ओमेगा में चेंज नहीं करना है अपने को, ओमेगा से मतलब नहीं रखना है। तो देखो यहाँ से वी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास में, ये वी स्क्वायर की वैल्यू आ गई अपने पास में जी एम ओवर आर स्क्वायर। देखो यहाँ से ड्राइव करेंगे इस फॉर्मूले को, ये ओमेगा में तो फालतू ही चेंज कर दिया इसको, देखो यहीं से ड्राइव हो जाएगा ये, तो अपने पास में वी की वैल्यू कितनी हो जाएगी अंडर रूट जी एम ओवर आर प्लस एच, यही आ रहा है अपने पास में v। तो अच्छा टाइम पीरियड कितना होगा 2 पाई r प्लस एच ओवर v। ठीक है, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, यही होता है अपने पास में। इस फॉर्मूले को रखना, कितना आ जाएगा t इज इक्वल टू ये 2 पाई, ये r प्लस एच ऊपर चला जाएगा और ये हो जाएगा r प्लस एच की पावर 3 बाई टू। ठीक है, और ये कितना आ जाएगा अंडर रूट जी एम। ठीक है, अंडर रूट जी एम, अब अपने पास में ये g कितना होता है जी एम ओवर आर स्क्वायर, यही होता है अपने पास में, तो ये जी आर स्क्वायर हो जाएगा जी एम, और इसका अंडर रूट करोगे अंडर रूट जी एम, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी आर अंडर रूट जी, क्योंकि अपने को एम नहीं दिया है ना उसने, अपने को तो ग्रेविटी दे रखी है, तो ये कितना हो जाएगा टी बराबर टू पाई आर प्लस एच, इसकी पावर कितनी हो गई थ्री बाई टू, और ये ओवर कितना हो जाएगा अपने पास में आर अंडर रूट जी। तो ऑलवेज ध्यान रखना कि ये अपने पास में फॉर्मूला ड्राइव होकर आता है, किसमें अर्थ के केस के अंदर। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत सारे न्यूमेरिकल्स में यूज होता है। ठीक है, बहुत सारे न्यूमेरिकल्स में इसका यूज भी है, तो बस वैल्यूज को रख दो अपने पास में। देखो आर पता ही है, उसने दे रखा है, हाइट दे रखी है 100 है, कितना है ठीक है अपने को, हाइट कितनी दे रखी है एक मिनट, मैं इसको हटा रहा हूँ इसको, है ना, और इसको भी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ताकि फिर ये आपका कैलकुलेट हो जाएगा अच्छे से। एक मिनट, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे ना अपन, स्टेप बाय स्टेप कैलकुलेट करेंगे इन वैल्यूज को। देखो कितना होगा, ये अपन ने वैल्यू निकाल ली, तो टी कितना आ रहा है अपने पास में, टी आ गया आपके पास में, अच्छा मैं यहीं पे बता देता हूँ, अपने पास में जी एम की वैल्यू अभी अभी कितनी निकाली थी, जी एम ओवर आर स्क्वायर कितना होता है जी, दिस इम्प्लाइज जो अपने पास में जी, ठीक है अंडर रूट, अरे यार ये और ये अलग ही समस्या है इसमें, जी अंडर रूट आर इंटू जी, सॉरी अरे यार आर अंडर रूट जी, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ से अंडर रूट जी एम, ये वैल्यू आएगी अपने पास में। इस वैल्यू को अगर मैं यहाँ रखता हूँ तो टी कितना हो जाएगा अपने पास में टू पाई आर प्लस एच, इसकी पावर कितनी हो गई थ्री बाई टू, और ये वैल्यू कितनी आ जाएगी अपने पास में आर अंडर रूट जी। वैल्यूज को पुट कर देते हैं, टू इंटू ये हो जाएगा 3.14, आर कितना होता है 6400 किलोमीटर है, ये 100 है, इसकी पावर कितनी हो जाएगी थ्री बाई टू, आर यहाँ पे 6400 और यहाँ पे कितना हो जाएगा अंडर रूट 10, ये वैल्यू आएगी इसकी। वैल्यूज को अपन पुट कर देंगे, यही अपने को दिया हुआ है। ठीक है,
यही क्वेश्चन के अंदर क्या हुआ है, गिवन है अपने को। तो ये जो वैल्यू आएगी ना आपकी, कैलकुलेट कर लेना एक बार कितना आएगा। ये मेरे हिसाब से आ रहा है 5146.88 सेकंड्स, ये आएगा आपके पास में। तो थोड़ा सा दिमाग लगा के करना पड़ेगा ये क्वेश्चन, क्योंकि देखो हमें नहीं पता था कि भाई टाइम पीरियड कितना आएगा। तो टाइम पीरियड पहले हमने ड्राइव किया है, तो ये टाइम पीरियड होता है। पहले एम वी स्क्वायर ओवर आर को, और इसको क्या कर दिया मैंने, बैलेंस कर दिया, ऐसे वी निकाल लिया। वी निकालने के बाद में अपने को पता है कि भाई डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी क्या होता है, टाइम पीरियड आएगा, उसको अपने रख दिया वैल्यू को। ओमेगा की जरूरत पड़ी नहीं, क्योंकि ओमेगा क्या होगा आपके पास में, इधर एंगुलर मोमेंटम नहीं दिया है ना, तो ओमेगा अपन निकाल ही नहीं सकते उसके बिना। तो ठीक है, तो वहाँ से ही कैलकुलेट हो नहीं पाएगा। तो जी एम ओवर आर स्क्वायर, ये जी है, यहाँ से अपने वैल्यू रखी है अंडर रूट जी, और ये वैल्यू आएगी अपने पास। ठीक है, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। अ सैटेलाइट इज रिवॉल्विंग क्लोज टू द सर, ठीक है, क्लोज घूम रहा है अर्थ के, अर्थ के बिल्कुल क्या है, क्लोज में है। तो ये पूछ रहा है कि आगे कैलकुलेट इस टाइम पीरियड, कोई बात नहीं, अभी अभी करवाया ये क्वेश्चन तो मैंने। क्लोज है अर्थ के, अर्थ के क्लोज है, इसका मतलब इसकी हाइट जो होगी आर के कंपेरिजन में क्या होगी, आर जो होगा वो ग्रेटर ग्रेटर देन एच है, ये कंडीशन दे रखी है इसने, कि जो आपके क्लोज है ना, मतलब ये हाइट जो है इसके आर के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा होगी। तो बस कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। ये जी एम एम ओवर कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर ओवर एम वी स्क्वायर ओवर आर, एक आर से आर कैंसिल हो गया, एक एम से एम कैंसिल हो गया, वी की वैल्यू कितनी आ गई, अंडर रूट जी एम बाई आर। टाइम पीरियड कितना हो जाएगा, टू पाई आर ओवर वी, ये कितना आ जाएगा, टू पाई आर, ये आ जाएगा अंडर रूट आर ओवर जी एम, यही होगा। अब जो ग्रेविटी होती है अपने पास में जी, ये कितनी होती है, जी एम ओवर आर स्क्वायर, ये ग्रेविटी होती है। ठीक है, तो अंडर रूट जी एम की वैल्यू यहाँ से निकालोगे, अभी अभी तो कैलकुलेट करवाया था ही मैंने, वही है, ये कितना आ जाएगा आर अंडर रूट जी, इस वैल्यू को यहाँ रख दो, तो टी कितना हो जाएगा अपने पास में, टू पाई आर, और ये यहाँ पर कितना आ जाएगा, इसको छेड़ो मत, अंडर रूट आर, यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये आर आर अंडर रूट आर अंडर रूट कितना हो जाएगा अपने पास में, ये जी। ठीक है, तो ये अपने पास में वैल्यू कैलकुलेट होके आएगी किसकी, टी की, यही वैल्यू आएगी क्या, एक बार मैं वेरीफाई कर लेता हूँ, मेरे हिसाब से तो यही आना चाहिए अगर क्लोज में चल रहा है, एक मिनट देख लेता हूँ। यही वैल्यू है। ठीक है, ये आर से आर कैंसिल हो जाएगा अपने पास में, ये आ जाएगा टू पाई अंडर रूट आर ओवर जी, तो ध्यान रखना वैल्यूज को पुट कर देना, टी अपने पास में कैलकुलेट हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे पूछ लेता है कि भाई कैलकुलेट करके दिखाओ, तो जी को 10 ले लेना है, आर को 6400 ले लेना, यहाँ से वैल्यू कैलकुलेट होकर आ जाएगी अपने पास में कि टाइम पीरियड उसका कितना होगा जब वो क्लोज होगा। ठीक है, जब वो अपने पास में क्लोज होगा तो उसका टाइम पीरियड कितना आएगा। तो ये था अपना कैप्लर्स लॉ, और ये कैप्लर्स लॉ के ऊपर कुछ क्वेश्चंस होते हैं। कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी बन के आ सकते हैं आपके कि भाई मान लेते हैं T1 समय में उसने R1 डिस्टेंस तय की हो, तो बताओ अगर वो R2 डिस्टेंस पर है, ठीक है, अगर वो R2 डिस्टेंस पर है तो फिर यार T2 कितना होगा। तो अपन जानते हैं कि भैया T1 किसके प्रोपोर्शनल होगा, R1 क्यूब के, T2 स्क्वायर किसके प्रोपोर्शनल होगा, R2 क्यूब के। तो T1 अपन T2 का होल स्क्वायर, ये किसके बराबर होगा, R1 ओवर R2 का होल क्यूब। तो इस फॉर्मूले पे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ध्यान रखना, इस फॉर्मूले पे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ये तो करना ही है, ये तो है ही जो है, ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है। आगे अगर मुझे वो क्वेश्चंस मिलेंगे तो मैं फर्दर आपको और क्वेश्चंस कराऊंगा कैपलर्स के ऊपर, अभी तो न्यूमेरिकल और करने अपने को बहुत सारे, और ज़्यादातर न्यूमेरिकल आपको कैपलर्स पे ही मिलेंगे इस यूनिट से। ठीक है, तो अपन जो अभी नेक्स्ट क्लास होगी उसमें सबसे पहले अपन कैपलर्स के और जो अपने पास में न्यूमेरिकल बन सकते हैं उनको डिस्कस करेंगे, और जो भी अपन ने प्रीवियस सेक्शन के अंदर पढ़ लिया है, प्रीवियस लेक्चर्स में जो भी पढ़ा है उसके ऊपर और क्या न्यूमेरिकल बन सकते हैं उसको स्टडी कर लेंगे। ठीक है, राधे राधे।